हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन, और एक देखेंगे यहाँ पे सर्कल अरेंजमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो आगे आपके अपकमिंग डेज में एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आज के ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट से लिए हैं। सो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज़ है उसको फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगी जहाँ से आप लोग जितने भी फ्री मॉक जो कि आपके अपकमिंग डेज में एग्ज़ाम आने वाले हैं उनको लाइव कर दिया गया है, तो उनको आप लोग अटेम्प्ट इस लिंक की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो हिंदी लैंग्वेज में है, तो जितने भी हिंदी लैंग्वेज वाले पर्सन हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड यहाँ पे क्वेश्चन आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है। ओके, देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 10 पर्सन, 10 पर्सन है, PQR ST UV W X एंड Y लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1 वाइल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 10। ठीक, तो मतलब 10 पर्सन है, 10 फ्लोर पे रहेंगे। एंड ईच पर्सन ओन्स अ डॉग ऑफ डिफरेंट ब्रीड अमंग बुल डॉग, वेलहंड, पिट बुल, हॉन्ट, पिंस्टर, बीगल, चिहुआवा, मैस्टिफ, शेपर्ड एंड हस्की। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। सॉरी, ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्लोर लिख लेती हूँ। सो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, सबसे पहले कह रहे हैं एस लिव्स ऑन 5th फ्लोर। एस जो है वो कहाँ रहता है, 5th फ्लोर पे रहता है। एंड ओन्स आ शेपर्ड डॉग, और इसके पास कौन सा डॉग है, शेपर्ड है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर वी डज नॉट ओन अ पिट बुल, तो वी के पास क्या नहीं है, पिट बुल नहीं है। ठीक है, तो ये लिख देंगे कि वी को हमें पिट बुल नहीं देना है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि 3 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड एक्स फ्लोर, तो आपका एस और एक्स के बीच में 3 का गैप है, तो यहाँ पर आप देखोगे 1, 2 एंड 3 का गैप करके आप एक्स यहाँ दे दोगे और एस 1, 2, 3 का गैप करके आप एक्स यहाँ भी दे सकते हो। ठीक, दोनों तरफ दे सकते हो गैप। उसके बाद आगे कह रहे हैं पी हु ओन्स अ मैस्टिफ, मैस्टिफ लिव्स जस्ट अबव एक्स फ्लोर, तो पी जिसके पास मैस्टिफ है वो पी एक्स से तुरंत ऊपर है, यानी कि पी यहाँ पर आएगा और इसको दे देंगे मैस्टिफ। ठीक है, यहाँ पर भी पी मैस्टिफ लिख देंगे। फिर आगे कह रहे हैं यू लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर एंड ओन्स अ हस्की, तो यू जो है वो कैसे आएगा, ऑड पर आएगा और इसको क्या मिलेगा, हस्की। ठीक, अब देखोगे आप फर्स्ट डायग्राम में तो यू को 9 दे सकते हो, यू को 7 दे सकते हो, यू को 3 दे सकते हो। सेकंड डायग्राम में देखोगे तो यू को 7 दे सकते हो, यू को 3 दे सकते हो, यू को 1 दे सकते हो, है ना। तो अभी आप रुक जाओ, आगे देखते हैं। तो आगे कह रहे हैं द वन हु ओन्स अ हॉर्न, अ हॉर्न लिव्स ऑन 3rd फ्लोर, तो 3rd फ्लोर पे कौन आ जाएगा, जो कि जिसके पास क्या है, हॉर्न है। ठीक, देन वन पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ वन हु ओन्स अ हॉर्न एंड वाई, तो हॉर्न एंड वाई दोनों में एक का गैप है, तो इस कंडीशन में देखो कि आप एक का गैप करके वाई दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, बट आप इसमें वाई दे सकते हो, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, ये यहाँ से कट हो जाएगा। ओके, उसके बाद वन पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ वन, ओके ये हो चुका है, टी लिव्स जस्ट अबव डब्ल्यूज फ्लोर, तो टी जो है वो डब्ल्यू के फ्लोर के जस्ट अबव आएगा। ठीक, देन इसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं कि द पर्सन हु ओन्स आ चिहुआवा लिव्स जस्ट अबव वन हु ओन्स आ बुल डॉग। ठीक, तो चिहुआवा जो है वो जस्ट अबव आएगा किसके, बुल डॉग के। ठीक, उसके बाद आगे कह रहे हैं द पर्सन जस्ट अबव वाई ओन्स आ पिंस्टर, तो अब वाई से जस्ट अबव पिंस्टर आएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं क्यू लिव्स एवब वीस फ्लोर बट बिलो आर्स फ्लोर, तो क्यू जो है वो कैसे आएगा, एवब होगा वी के लेकिन आर के बिलो रहेगा। ठीक,
अच्छा, आर के बिलो और वी के अबव का मतलब एग्जैक्टली मिडल नहीं हो सकता है, एक का गैप हो सकता है, दो का गैप हो सकता है, या मे बी क्यू और वी का गैप एक हो और क्यू और आर का गैप दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा हो. ठीक, तो गैप भी आपका ये सेम हो ये भी जरूरी नहीं है. ठीक है, आगे कह रहे हैं, द वंस हु ओन्स अ पिट बुल लिव्स अबव द वन हु ओन्स अ बीगल बट बिलो द वन हु ओन्स द वेल हंट. ठीक है, तो यहाँ पर वो पर्सन जिसके पास पिटबुल है वो कैसे रहेगा, एबब रहेगा बीगल के, लेकिन बिलो रहेगा वेल के. ठीक, अब इसको फिक्स करके देखते हैं. तो यहाँ पे ये जो यू वाला पॉइंट है इसे फिक्स कर लो, क्योंकि यू की आई थिंक और कोई कंडीशन बची नहीं है ऑड के अलावा, और यहाँ पे ऑड में 7 के अलावा, तो यहाँ पर आप यू को फिक्स कर लो. ठीक है, उसके बाद टी एंड डब्ल्यू एडजेसेंट आएंगे ना, टी तुरंत ऊपर आएगा डब्ल्यू के. ठीक है, तो डब्ल्यू को कुछ मना करा गया है कि डब्ल्यू को ऐसा कुछ नहीं देना है, समथिंग ऐसा कुछ कहा है क्या, या टी को कहा है? आई थिंक नहीं कहा है ना. तो जब नहीं कहा है तो टी एंड डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है. ठीक है, और इसके अलावा टी एंड डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है. ठीक, तो दोनों पॉसिबिलिटी बना लेंगे. मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ इनके नाम. ठीक है, तो ये हट जाएगा. फिर कितने बचे हैं, 1, 2 एंड 3 बचे हैं. तो आर क्यू वी, सो आर क्यू वी आएगा, यानी कि आर पहले क्यू और फिर वी आएगा, इसमें आर क्यू एंड वी आएगा. ठीक, इसको आप हटा दोगे. देन इसके अलावा यहाँ पे इसको फिक्स कर लो, क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स है कि ची हुआ हुआ के तुरंत नीचे बुलडॉग आएगा, तो आप ची हुआ हुआ यहाँ लिखोगे और इसके नीचे बुलडॉग लिखोगे, सेम ये यहाँ लिखोगे और इसके नीचे बुलडॉग लिखोगे. ठीक, इसको हटा दो. फिर वॉल, पिटबुल और बीगल. ठीक है, बीगल है ना, हाँ बीगल, ये एक साथ आएंगे. एक साथ इन दी सेंस, आपका एक साथ इन दी सेंस का मतलब ये नहीं है कि सब तीनों का अरेंजमेंट लगातार होगा, एक साथ का मतलब तीनों को इस तरीके से अरेंज करना है, सबसे ऊपर वॉल, फिर पिटबुल और फिर बीगल आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, इसको हटा देंगे. अच्छा, वी को पिटबुल नहीं मिलेगा, सो वी को पिटबुल जो है वो आई थिंक यहाँ पे मिल रहा है, वी को पिटबुल, तो यानी कि ये कंडीशन कट हो जाएगी, इसमें करेक्ट आंसर आएगा. ओके, तो ये होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ओन्स अ वेलहंट. तो यहाँ पे वेलहंट किसके पास है, क्यू के पास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा. हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स 3 फ्लोर्स अबव द वन हु ओन्स अ पिंस्टर. देखो, 3 फ्लोर्स अबव यानी कि दो के गैप के बाद तीसरे नंबर पे. ठीक, तो 1, 2 एंड 3, तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी. फिर हाउ मेनी पर्सन लिव अबव द फ्लोर यू, यू के अबव कितने पर्सन रह रहे हैं, सो 1, 2 एंड 3, 3 पर्सन रह रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा. फिर हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिलो द फ्लोर ऑफ द वन हु ओन्स अ पिटबुल, तो पिटबुल यहां पर है, इसके बिलो कितने हैं, 3 पर्सन रह रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी. ओके, सो आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. एंड यहाँ पे देखते हैं, तो इन्होंने क्या कहा है कि 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल. नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग सेंटर इज मोर देन दोज हु आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. तो यानी कि वो पर्सन जो कि सेंटर की ओर देखेंगे और वो पर्सन जो सेंटर से दूर की ओर देखेंगे, उनमें ये कहा गया है कि सेंटर वाले पर्सन की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी. 8 पर्सन है, यानी कि या तो 5 होंगी इनकी संख्या, या 6 होगी, या 7 होगी. ठीक, अगर सेंटर वाले 5 होंगे तो आपका बाहर की ओर फेस करने वाले 3 होंगे, सेंटर वाले 6 होंगे तो फिर वो 2 होंगे, सेंटर वाले 7 होंगे तो फिर ये 1 होंगे. ठीक, ये कंडीशंस बनेंगी. आगे देखते हैं, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी हु फेसिंग दी सेंटर. तो एफ और सी के बीच में 2 पर्सन है. ठीक, सी यहाँ पर आता है तो 1 एंड 2 का गैप करके आपका एफ यहाँ आ सकता है, और सी अगर यहाँ रहता है तो 1 एंड 2 का गैप करके एफ यहाँ आ सकता है. और ये कैसा फेस कर रहा है आपका, सी सेंटर की ओर फेस कर रहा है. ठीक है, तो सी को हम लिख देंगे यहाँ पे, ये सेंटर की ओर फेस कर रहा है. फिर आगे कह रहे हैं, एच इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ. एच जो है वो थर्ड टू द राइट है एफ के. अब देखो, एफ के बारे में हमें पता नहीं है कि ये इनसाइड फेस कर रहा है या आउटसाइड फेस कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको इनसाइड फेस कराओगे तो 1, 2, 3 एच यहाँ आना चाहिए इसके राइट में, थर्ड टू द राइट में, लेकिन एच यहाँ नहीं आ सकता ना, तो इसको आउटसाइड फेस कराओ, 1, 2, 3 एच यहाँ पर आ जाएगा. सेम इस कंडीशन में अगर आप इसे बाहर की तरफ फेस कराते हो तो 1, 2, 3 एच
यहाँ नहीं आ सकता ना, तो ये इनसाइड फेस करेगा और 1 2 3 एच आ जाएगा यहाँ पे, राइट। आगे कह रहे हैं वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एच एंड बी, एच एंड बी के बीच में एक पर्सन का गैप है, सो इन फर्स्ट डायग्राम बी यहाँ पर एंड इन सेकेंड डायग्राम आपका बी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इमीडिएट नेबर ऑफ एफ आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ, तो एफ के जो दोनों इमीडिएट नेबर है ये अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे एफ के, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट डायग्राम में एफ बाहर की ओर फेस कर रहा है, तो ये दोनों कैसा फेस करेंगे, अंदर की ओर, और यहाँ पर एफ एफ जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है, तो ये दोनों कैसा फेस करेंगे, बाहर की ओर, ठीक। आगे कह रहे हैं वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में एक पर्सन का गैप है, तो इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, देखो ए यहाँ पर तो जी यहाँ पर, ए यहाँ पर तो जी यहाँ पर, है ना, सेम इस वाले कंडीशन में भी ए एंड जी यहाँ पर भी आ सकते हैं और यहाँ पर भी आ सकते हैं, तो रुक जाओ। आगे कह रहे हैं जी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू एच, तो जी जो है वो एडजेसेंट नहीं है एच के, तो अब देखो सारी कंडीशन कट गई, जी जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ऑब्वियसली जी यहाँ पर आएगा, क्योंकि अगर जी यहाँ पर आएगा तो फिर एक का गैप करके ना तो आप ए ऊपर की ओर दे सकते हैं ना ही आप यहां दे सकते हैं, तो आप जी यहां पर और ए यहां पर देंगे, सेम यहां पर आप जी यहां पर और ए यहां पर देंगे, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं एच इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन ऑफ द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू हिम, तो एच जो है वो सेम डायरेक्शन देखेगा, किसके सेम डायरेक्शन, जो पर्सन उसके सामने बैठा है उसके जैसा, तो इन फर्स्ट डायग्राम ये इनसाइड देख रहा है, तो यानी कि एच भी इनसाइड देखेगा, यहाँ पर ये आउटसाइड दिख रहा है तो एच भी आउटसाइड देखेगा, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इमीडिएट नेबर है ए के वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे ए के, ठीक। देखो दो लाइन होती हैं, एक तो ये होती है कि आपस में आपके इमीडिएट नेबर अलग अलग देख रहे हैं, जो कि इस डायग्राम में है, ठीक। इसमें आपका एक पर्सन कैसा देख रहा है आउटसाइड और एक देख रहा है इनसाइड, और एक ये होता है कि जिस पर्सन के बारे में कहा गया है उसके अपोजिट देखेंगे, जैसा कि इसमें कहा गया है, ठीक। इस लाइन का मतलब यही है कि आपका यहाँ पे जो दोनों पर्सन है वो ए के अपोजिट रहेंगे, यानी कि एक ऐसा रहेगा आउटसाइड रहेगा और बाकी के ये दोनों पर्सन इनसाइड रहेंगे, ठीक। आगे डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई, तो डी जो है वो थर्ड टू द राइट है ई के, तो अगर मान लीजिए ई को मैं यहाँ बैठा देती हूँ, तो 1 2 3 क्या आप डी यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो जब नहीं दे सकते हैं तो डी यहाँ पे नहीं और ई यहाँ नहीं आएगा, डी कहाँ पर आएगा, डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई यहाँ पर आएगा और डी यहाँ पर आएगा, ठीक। और इसको थर्ड टू द राइट में देने के लिए आप ई को कैसा फेस करा देंगे, सेंटर की ओर, ठीक। अच्छा जी का फेस हमें पता नहीं है, तो जी का फेस पता करने के लिए आप देखो यहाँ पर सर्कल वाले पर्सन जो है वो कितने हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे सर्कल वाले पर्सन 1 2 आई एम सॉरी, सर्कल में आपके इनसाइड वाले पर्सन कितने हैं, सो 1 2 3 4 एंड 5, 5 पर्सन जो है वो इनसाइड वाले हैं, और आउटसाइड वाले कितने हैं, आउटसाइड वाले 1 एंड 2 हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पर आप लोग ये वाले लॉजिक से पता नहीं लगा सकते हो कि ये इनसाइड दिखेगा या आउटसाइड देखेगा, क्योंकि अगर मैं इसको आउटसाइड फेस कराती हूँ, ठीक है, अगर इसको आउटसाइड फेस कराती हूँ तब भी आप देखोगे कि 5 जो है वो सेंटर के रहेंगे, 3 आउटसाइड रहेंगे, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सेंटर वाले जो है वो आउटसाइड वाले से ज्यादा होने चाहिए, तो वो हो जाएंगे। अगर आप इसे इनसाइड फेस कराते हो तो 2 आपके आउटसाइड वाले रहेंगे और 6 जो है वो कैसे रहेंगे, इनसाइड वाले रहेंगे, तब भी आपसे जो कहा गया है कि इनसाइड वाले आउटसाइड वाले से ज्यादा होने चाहिए, तो वो भी कंडीशन ठीक हो जाएगी। मतलब इसका ये है कि यहाँ पे जी की पोजिशन के बारे में पता नहीं चलेगा कि ये इनसाइड देख रहा है या आउटसाइड देख रहा है, जी को हम ऐसे ही रखेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा कंडीशन लगकर आएगा, अदरवाइज इसका आंसर जो है वो इधर और या फिर कुछ किसी कंडीशन में ही डिपेंड करेगा, ठीक। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी, अब देखो यही क्वेश्चन आ गया ना, जी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन है, और ऐसा ज्यादातर होता है, जब भी आपकी किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं होगी तो आपका ज्यादातर उस पर क्वेश्चन बनता ही है, और वहीं से आप अपने आप अपना जो पजल होता है या जो भी अरेंजमेंट होता है उसको चेक कर लेते हो कि मेरा क्वेश्चन सही बना है या फिर नहीं, ठीक। तो यहाँ पे तो जी की जब अरेंजमेंट पता नहीं है तो आंसर या तो सी एन डी होगा या फिर इधर और में होना चाहिए, तो इधर और तो गिविन नहीं है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पे, सी एन डी। आगे कह रहे हैं डैश इज सिटिंग अपोजिट टू ए, ए के अपोजिट कौन बैठा है, सो ए के अपोजिट एफ बैठा है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देन हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ई, डी एंड ई के बीच में कितने पर्सन है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई, अगर आप ई के लेफ्ट से काउंट करेंगे, तो ये इनसाइड देख रहा है ई के लेफ्ट से, देखो 1 2 3 एंड 4 चार हैं, तो चार हैं, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट, यहाँ पे आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है, बी इनवर्ट देख रहा है, ई इनवर्ट देख रहा है और ए आउटवर्ट देख रहा है,
एच जो है वो इनवर्ट देख रहा है, डी जो है वो इनवर्ट देख रहा है, तो बेसिकली आपका ए आउटवर्ट देख रहा है, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यही सबसे अलग है इनमें। फिर नेक्स्ट है कि डैश इज सिटिंग अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट कौन बैठा है, तो सी बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, एंड कभी भी नोटिफिकेशन ना आए तो आप लोग चैनल को विजिट करते रहिए। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट को मैंने ऐड करा है जिसमें आपके डिफरेंट पैटर्न के पजल, सिटिंग अरेंजमेंट एंड मिसलेनियस क्वेश्चन के सेट हैं, सो आप यहाँ से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चैनल पर करीबन 300 से ज़्यादा मैंने पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट कराए हैं और सब नए पैटर्न पर हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा एंड यहीं से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।